नमः शिवाय। विश्वास ही शक्ति है, इसलिए सेल्फ बिलीव करें, अपने आप पर विश्वास करें, परमात्मा पर विश्वास, अपने सभी संबंधों पर विश्वास करें। यह शक्ति आपके मन को कंट्रोल करेगी। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे के सिद्धांत से जो ब्रह्मांड में है वह आपके शरीर में है। ब्रह्मांड में परमात्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है, वह ईश्वर का ही रूप है। अतः आप खुद पर विश्वास करें, आत्मा को माने और इस शक्ति को जागृत करें। अपने मन पर कार्य करें, मन को नियंत्रित करें। मन को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो आप उस अदृश्य शक्ति जिसे हम परमात्मा कहते हैं उससे जुड़ सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसी युक्ति बताता हूँ जिससे कि आप अपने मन पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सुने और करें। सर्वप्रथम किसी भी आसन में बैठ जाएं, आराम पूर्वक जिस स्थिति में आप बैठ सकते हैं उस स्थिति में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। मन को शांत करते हुए अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को देखें, फोकस करें। तो सबसे पहले हम अपने शरीर के अंगूठे से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आंख बंद करके अंगूठे पर फोकस करें और बोलें, इट इज ओके, रिलैक्स, हेल्दी, सो आई एम हैप्पी। यहाँ आप ईश्वर को धन्यवाद दें, बोलें, इस कृपा के लिए मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार शरीर के प्रत्येक अंगों पर फोकस करें और यही बातें बोलें। वीडियो लंबा न हो इसलिए मैं प्रत्येक अंगों पर नहीं बता रहा हूँ। आप यह क्रिया प्रत्येक अंगों पर करें और लाभ उठाएं। आप अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि आप शरीर नहीं हैं, शरीर के दृष्टा हैं। अब आप अपने विचारों पर फोकस करें। जिस प्रकार कैमरे का काम है सिर्फ देखना, उसी तरह आप अपने विचारों को देखें। और अच्छे विचार हैं, नो प्रॉब्लम, बुरे विचार हैं, नो प्रॉब्लम। किसी विचार में आपको रमना नहीं है, सिर्फ कैमरे की भांति उसको देखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आप अपने विचार को भी देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। यह ऑब्जर्वेशन आप करते रहें। जितना अधिक से अधिक समय तक आप अपने विचारों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसमें रमना नहीं है, सिर्फ देखते रहना है। इससे आपके जो निगेटिव विचार हैं धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कैमरा लगा होता है तो चोर वहाँ से दूर हो जाते हैं, फुर हो जाते हैं, सेम उसी तरह जब आप अपने विचारों का अवलोकन करने लगेंगे तो बुरे विचार अपने आप दूर हो जाएंगे। जब बुरे विचार दूर हो जाएंगे तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। आप जैसा चाहेंगे मन वैसा करेगा। आप अपने विचार को देख पा रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि आप विचार भी नहीं हैं, विचार को देखने वाले अर्थात दृष्टा हैं। अब आप अपने सांसों पर ध्यान दें। सांस आ रहा है, जा रहा है, इसको आप देखें, ध्यानपूर्वक देखें और महसूस करें कि आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। इस क्रिया को आप देखते रहें। इससे सिद्ध होता है कि आप सांस भी नहीं हैं, सांस आप ले रहे हैं, यानी आप सांस के
नियंत्रक हैं, दृष्टा हैं। अब मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरह आप सांस लें। सबसे पहले सांस को, हवा को अंदर भरें, और अंदर जब हवा भर रहे हैं तो पेट को बाहर आना चाहिए। कुछ समय तक के लिए रोकें, उस समय भी पेट बाहर होना चाहिए। उसके बाद आप हवा को बाहर निकालें यानी छोड़ें। जब आप हवा को बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट को अंदर जाना चाहिए। अब सांस को बाहर रोके रखें, अपनी इच्छा अनुसार रखें, अपनी क्षमता के अनुसार रोके रखें। जब आप सांस को बाहर रोके हैं तो पेट अंदर होना चाहिए। यही क्रिया आपको बार बार करनी है। यह क्रिया करने से आपका पेट क्षारीय होगा, अतः आप स्वस्थ रहेंगे, दिमाग में वृद्धि होगी, दिमाग स्वस्थ होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आपके चक्राज एक्टिवेट होंगे और आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। जब आप प्रसन्न होंगे, शांत होंगे, खुश होंगे तो आप स्वस्थ होंगे और आपके अंदर पॉजिटिव विचार उत्पन्न होंगे और आप के और यूनिवर्स की अवसर और ईश्वरी कृपा को आप आकर्षित कर पाएंगे। यही है आकर्षण का सिद्धांत, कि जब आप अच्छा विचार करेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे तो आपके साथ सदा अच्छा ही होगा। आप ही अपने भाग्य के विधाता हैं। परमात्मा की कृपा सबके ऊपर समान रूप से हो रही है। आप अपने एंटीना को, रिसीवर को ठीक करें और उस कृपा को अट्रैक्ट कर खुशहाल रहें और सफल बने। मेरे यहाँ ब्रेन बूस्टर स्कूल में एनएलपी की ट्रेनिंग दी जाती है। ब्रेन एक्टिवेट किया जाता है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। एवाकस वैदिक मैथमेटिक्स का क्लास चलता है, जिससे कि घंटों का कार्य मिनटों में बच्चा कर सकता है। पूरी किताब घंटे में याद कर सकता है। अतः आप मेरे यहाँ संपर्क करके अपने बच्चे का ब्रेन का टेस्ट करवा सकते हैं, ब्रेन ट्रेनिंग करवा सकते हैं। इसलिए आप जल्द ही हमसे संपर्क करें। बड़े लोग भी एनएलपी के थ्रू किसी भी प्रकार के रोग को दूर कर सकते हैं और अपनी सोच को बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच लाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार। महादेव सर, महादेव। हाँ महादेव, क्या हाल है सर? मैं रास्ते में हूँ, थोड़ा स्कूल में प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ चंदौली में। अच्छा।